नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु। तो यार Redmi का Note 8 Pro आपको 29 अगस्त को यानी कि कल ही मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब जैसे जैसे इसकी लॉन्च डेट पास आती जा रही है, वैसे यार सारी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं इस फ़ोन की। और कल ही दोस्तों ऑफिशियली Redmi ने टीज कर दिया है कि इस फ़ोन में आपको देखने को मिलेगी मीरा विजन डिस्प्ले। अब दोस्तों जब भी आप टर्म सुनोगे मीरा विजन डिस्प्ले, तो आपके मन में एक कन्फ्यूजन आएगी कि क्या ये बेहतर होगी या सुपर एमोलेड डिस्प्ले या IPS LCD डिस्प्ले से, क्या ये कोई सॉफ्टवेयर फीचर है या फिर कोई हार्डवेयर। दोस्तों अलग तरह की डिस्प्ले मार्केट में आ चुकी है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कम समय में दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मीरा विजन डिस्प्ले कोई ये हार्डवेयर चेंजेस नहीं है किसी भी डिस्प्ले में, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर फीचर है। जैसे कि आपको हार्डवेयर चेंजेस, जैसे कि आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले अलग ही टेक्नोलॉजी पर काम करती है और IPS LCD अलग ही टेक्नोलॉजी पर काम करती है, उस तरह से दोस्तों ये डिस्प्ले कोई अलग टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करती। कोई भी अलग टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों डिस्प्ले में, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर का एक फीचर है जो Redmi के द्वारा आपको दिया जाएगा। अब ये बेसिकली MediaTek का कॉपीराइटेड एक फीचर है, यानी कि कह सकते हो कि ये जो फीचर है ये आपको MediaTek के SoC में देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी पहले से दोस्तों चला आ रहा है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो। अब जो ये फीचर है इसके अंदर आपको कई सारे की डिस्प्ले ट्यूनिंग जो फीचर्स हैं वो आपको दिए जाएंगे, और आप कह सकते हो कि एडवांस आप एक कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने डिस्प्ले में। जैसे कि आप इस सेटिंग में जाकर देख सकते हो, अगर आप अपने एंड्रॉइड फोन की सेटिंग में डिस्प्ले में जाकर इस तरह का आपको ऑप्शन मिल जाएगा अलग से मीरा विजन डिस्प्ले का। वहां पर जब आप क्लिक करोगे Redmi Note 8 Pro में, तो आपको इस तरह के कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली यहां पर आपको कॉन्ट्रास्ट का, ब्राइटनेस का और भी कई सारे जो ऑप्शन है, एडवांस फीचर है, वो आप देख सकते हो, वो आपको मिल जाएंगे, और इसके हिसाब से आप अपने डिस्प्ले को ट्यूनिंग कर सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे फीचर है जो MediaTek ने दावा किया है कि आपको यहाँ पर बैटरी एफिशिएंसी है जो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसे दोस्तों आप सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो या IPS LCD डिस्प्ले हो या LTPS LCD डिस्प्ले हो, सभी में आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो, आप इसे इनेबल कर सकते हो, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर है। अब इसके बाद एक चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि Redmi Note 8 Pro में जो डिस्प्ले मिलेगी वो आपको LTPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा और भी कई सारे फीचर हैं, जैसे कि अल्ट्रा डिमिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और एक खास फीचर है आप इस डिस्प्ले में जब आप इसको इनेबल करोगे तो आप HDR10 का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कई सारे फीचर हैं, क्योंकि ये MediaTek के SoC में है, और ये कंपनी के ऊपर भी होता है कि कंपनी आपको दे या ना दे, लेकिन Redmi ने दावा किया है कि इसको जो Redmi Note 8 Pro है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो इसमें कितना आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा इस डिस्प्ले में, तो मैं आपको स्क्रीन पर कुछ फोटोज दिखाता हूँ। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, एक है दोस्तों विद मीरा विजन और एक है दोस्तों विदाउट मीरा विजन। यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियरली देख सकते हो, तो आप इसमें कॉन्ट्रास्ट को आराम से एक कुछ ट्यूनिंग कर सकते हो, जिससे आपकी जो डिस्प्ले है वो आपको बेहतर मिलेगी। साथ में दोस्तों MediaTek ने दावा किया है कि आपको जो इसमें डिटेल है पिक्सल की वो आपको कई ज़्यादा देखने को मिल जाएगी नॉर्मल जो डिस्प्ले उसके मुकाबले, तो ये अच्छी बात है। Redmi ने भी ऑफिशियली दोस्तों एक फोटो पोस्ट की है, तो यार आप इस फोटो को भी आराम से देख सकते हो। यहाँ पर आप क्लियरली एक चीज़ देखोगे कि जो डिटेलिंग है ऑब्जेक्ट्स की, ये शार्पनेस आप कह लीजिए, कॉन्ट्रास्ट देखिए, वो आपको मीरा विजन डिस्प्ले जब आप ऑन करोगे तब आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है एडिशनली। अब बेसिकली ये डिस्प्ले है वो ऐसा नहीं है कि आपको जो इस सेटिंग को ऑन करने के बाद ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले से बेहतर हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली वो अलग टेक्नोलॉजी पर काम करती है, तो ये उससे बेहतर नहीं कही जाएगी। लेकिन अगर आप इसे नॉर्मल LCD डिस्प्ले वाले फ़ोन से कंपेयर करोगे इनेबल कर, तो आपको काफ़ी सारे अच्छे फीचर इसमें देखने को मिल जाएंगे, डिस्प्ले आपको ब्राइट भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो बैटरी की एफिशिएंसी यानी कि पावर कंजप्शन है वो 25% कम देखने को मिलेगी, यानी कि बैटरी आपकी ज़्यादा चलने वाली है अगर आप डिस्प्ले को ऑन करते हो। तो काफ़ी सारे अच्छे फीचर है, वेट कीजिए Redmi के Note 8 Pro का, जब आराम से आपको प्रैक्टिकल करके हम बता देंगे, क्योंकि मैं ये फ़ोन परचेज करने वाला हूँ। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये टेक्नोलॉजी आपको अच्छी लगी है, नहीं लगी है, क्या दोस्तों बाकी फोन्स को भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये ओनली MediaTek के चिपसेट में, क्या आप पसंद करते हैं MediaTek के चिपसेट, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसमें इतना के लिए वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।